हे गाइस, तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी यूजर्स फेस करते हैं हमारे, जो फ्लटर और फायरबेस को कंबाइन करके हमारा रियल टाइम सर्च इंजन बनाना चाहते हैं। तो गाइस बहुत कमेंटेड टॉपिक था ये, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी, उसके सोल्यूशन जो गाइस हैं बहुत कम है, ना के बराबर हैं। तो गाइस मैंने सोचा इस वीडियो पर टॉपिक बनाया जाए ताकि जो यूज़र्स हैं उन्हें ईजी वे में किस स्टेप से वो रियल टाइम सर्च इंजन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फायरबेस और फ्लटर में। तो गाइस जब भी आपने कोई सपोज साइट बनाई, उसमें एक आप प्रोडक्ट वगैरह स्टोर करवाते हो, आप चाहते हो जो यूज़र है जैसे ही सर्च करे फर्स्ट की दबाए तो जो भी फर्स्ट की मैच करे प्रोडक्ट के नेम से वो प्रोडक्ट शो हो। तो गाइस इस टाइप का कोई भी फंक्शन हमारा फायरबेस नहीं करता है, मतलब कोई रिकमेंड नहीं करता है हमें प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारे पैकेजेस हमें मिल जाएंगे अगीला वगैरह, जो कि गाइस हमें पे करना पड़ेगा उसके लिए एडिशनल, बट आप अपनी खुद की फंक्शनलिटी ऐसे बनाना चाहते हो फायरबेस को, डेटाबेस को इस्तेमाल करके कि हर स्ट्रिंग की एक की को मैच करे आपके डेटाबेस से और शो करे रिजल्ट, तो ये अभी फायरबेस हमें प्रोवाइड नहीं करता है। तो गाइस इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन गाइस ये है, सबसे पहले हमें गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको मैं ये मॉडल समझाता हूँ। सपोज का आप कोई भी यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर रहे हो स्ट्रिंग का, तो गाइस जब भी आप सर्च करोगे तो उस कीवर्ड, तो हमारे पास सर्च करने की फंक्शनलिटी नहीं है फायरबेस में, ठीक है, चाहे आप वहाँ पे आप स्ट्रीम का इस्तेमाल करो तो आपको नहीं आएगा, लेकिन हम वहाँ पे हमें फायरबेस जो है एक हमें फंक्शनलिटी दे देता है, वो है गाइस अरे को, अरे के अंदर जो वैल्यूज़ होती है उसे कंपेरिजन करने की। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई डेटाबेस में जैसे प्रोडक्ट का हमने मॉडल बनाया, तो उस मॉडल में क्या करेंगे, जैसे हमें इंडेक्स नाम से एक हम बनाएंगे पैरामीटर, उसमें हम उसका नाम, जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा उसे हम कुछ इस तरीके से स्टोर करवाएंगे अरे के फॉर्म में। यहाँ पे पूरा इंडेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम होगा, तो जब भी वहाँ पे एक की सर्च होगा तो एक अरे के अंदर से एक वैल्यू यहाँ पे सर्च होगी। तो हम इस तरीके से एक रियल टाइम सर्च इंजन इंप्लीमेंट करेंगे। तो गाइस अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, बट मैं जैसे ही आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर गाइस आपने ये प्रॉब्लम फेस करी है, आप सर स्ट्रिंग को सर्च करने की कोशिश कर रहे हो पर लेटर फायरबेस डेटाबेस से, तो आपको पता होगा कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, मेथड देख लेते हैं कौन सा मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ यहाँ पे पहले। तो गाइस ये है हमारी डॉक्यूमेंटेशन फायरबेस की, ठीक है। अरे कंटेन का जब मेथड इस्तेमाल करेंगे तो गाइस, तो उसमें क्या होगा, अरे कंटेन एनी, सॉरी हम यहाँ पे करेंगे अरे कंटेन एनी, कोई भी कीवर्ड अगर मैच कर जाएगा हमारे उससे क्वेरी से तो हमें रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि हम कोई गाइस अगर आप सर्च कर रहे हो तो आप वहाँ पे ऑब्वियसली रियल टाइम सर्च करना चाहोगे, तो आप वहाँ पे स्ट्रीम इस्तेमाल करोगे। तो इस फंक्शनलिटी को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले हम अपना गाइस कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस सबसे पहले ये मेरा एक डेटाबेस का मॉडल है, मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा कि मतलब डेटाबेस जो मेरा मॉडल है किस तरीके दिख रहा है। अभी आप देखिए कि जैसे गाइस एक मैं बिजनेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, बिजनेस का गाइस मेरा बेसिक मॉडल है यहाँ पे, जिसमें गाइस मैंने एक पैरामीटर नाम रखा है यहाँ पे फाउंडर सर्च इंडेक्स, मतलब यहाँ पे गाइस दो रखे हैं मैंने, या तो स्टार्टअप के नाम से भी ऐसे वो सर्च कर सकता है वो स्टार्टअप को, या फिर जो मेरा प्रोडक्ट है यानी कि मतलब स्टार्टअप जो मेरा प्रोडक्ट है उसे सर्च कर सकता है, या फिर जो फाउंडर है उस स्टार्टअप का उसके नाम से भी गाइस वो वहाँ पे सर्च कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने बनाया है फाउंडर सर्च इंडेक्स, ये दो पैरामीटर बनाए हैं मैंने अपने डेटाबेस मॉडल में। अब गाइस अब यहाँ पे आपको किस तरीके से मतलब वो स्ट्रिंग जो हमने गाइस जनरेट करी थी, आप कोई भी स्ट्रिंग इसके अंदर पास करोगे कोई भी नाम, और आपको जो आउटपुट मिलेगा इस फॉर्म में मिलेगा। तो गाइस उसका एल्गोरिदम यहाँ पे है, ये गाइस मैंने एल्गोरिदम ऑलरेडी लिखा हुआ है, जहाँ पे आप वैल्यू पास करोगे और आपको आउटपुट में ये स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो गाइस ये एल्गोरिदम मैं आपको कमेंट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप वहाँ से सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर गाइस छोटा सा एल्गोरिदम है, आप इसे खुद भी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और खुद समझ के लिखना कि मतलब किस तरीके से स्ट्रिंग को ये सेपरेट कर रहा है, और जो ब्लैंक स्पेस है उसको भी किस तरीके से रिमूव कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल प्लेन यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी, ब्लैंक स्पेस जो है रिमूव हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले अब हमें क्या करना है, तो गाइस आपको गाइस जो पूरा का ये ऊपर का कोड है आप इसे इग्नोर कर सकते हो, अगर आपको तो बेसिक फ्लटर आता है तो आपको पता होगा ये एक मेथड है जस्ट, और उस मेथड के अंदर गाइस यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्ट्रीम बिल्डर, जो कि गाइस रिटर्न करेगा मेरे सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ गाइस किस तरीके से काम कर रहा है, सबसे पहले तो गाइस मैंने यहाँ पे डिफाइन करा अपना स्टोर। अब गाइस स्टोर क्या है, यहाँ पे स्टोर है गाइस मेरा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये गाइस फायरबेस का इंस्टेंस सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है, और फायरबेस का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए गाइस आपको लाइब्रेरी भी यहाँ पे इंपोर्ट यहाँ पे आपको करनी होगी फायरबेस की, ठीक है। उसके बाद गाइस हम स्टोर पे जाएंगे, तो अब गाइस आपको डिसाइड करना है जो आपको किस में से सर्च करना है, जैसे कि
कोई आपको यूज़र नेम मॉडल में से आपको कोई कीवर्ड इस्तेमाल करना है या किस में से, तो गाइज मेरा बिजनेस इन्फो था, तो गाइज यहाँ पे मैंने उसको नाम रख दिया। अब गाइज यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग गाइज कहाँ से आई, स्ट्रिंग गाइज यहाँ हमारी ये है बिजनेस डिटेल करके। तो गाइज यहाँ पे हम अपने कलेक्शन में गए, कलेक्शन में गाइज कौन से इंडेक्स में गए, इस कलेक्शन के अंदर गाइज मैं इंडेक्स सर्च करूँगा अपना स्टार्टअप सर्चिंग इंडेक्स, ठीक है। उसके अंदर गाइज मैं चेक करूँगा कि जो भी यूज़र की दबाएगा सर्च इंडेक्स में वो यहाँ पे मैच होगी मेरी या नहीं होगी मैच, ठीक है। तो फिर कहीं यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर है, आपको बहुत इजी है ये कोड, अगर आपको स्ट्रीम बिल्डर इस्तेमाल करना आता है। सिर्फ सिंपली मैं कलेक्शन में गया, कलेक्शन के अंदर मैं गाइस जो मेरे आइटम्स थे उसका मैंने पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट करा सर्च इंडेक्स नाम से जो कि मैंने रखा हुआ था, जो कि गाइस मैंने आपको यहाँ बताया था ये, ठीक है। उसके बाद गाइस जब मैं इसमें अगर चेक करूँगा कि इसमें कोई भी स्टार्टअप का जो नेम है उसमें गाइस कोई भी अगर की मैच करेगी तो ये क्या करेगा, रिजल्ट करेगा मुझे रिटर्न, ठीक है। अब मैं उस रिजल्ट का क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा बिल्ड। और गाइस यहाँ पे आपको क्वेरी स्नैपशॉट जरूर लिखना है इसमें जब भी आप यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर बनाओगे तो, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले अगर गाइस मेरा कनेक्शन स्टेट वेटिंग है तो मैं यहाँ पे लोडिंग स्टेट दिखाऊंगा, और गाइस यहाँ पे अगर मेरा एरर है तो मैं आप एरर पेज दिखा रहा हूँ, आप अपने कस्टम कोई भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद तीसरा है गाइस यहाँ पे स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मतलब गाइस जो भी हमारा डेटा रिटर्न होगा क्वेरी जैसे आपने सर्च करी, जो डेटा रिटर्न होगा गाइस स्नैपशॉट की फॉर्म में रिटर्न होगा। अब गाइस ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस ये मेरा यहाँ पे पूरी की पूरी जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी पूरी एक विजिट मैंने बना रखी है, जो कि गाइस यहाँ से मैं इसे सिर्फ स्नैपशॉट यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। और स्नैपशॉट में गाइस क्या क्या है, ये गाइस मेरे जैसे कि फाउंडर आईडी वगैरह है, उसका डॉक्यूमेंट में गाइस नेम है, इमेज वगैरह है, जैसे गाइस मैं दिखा देता हूँ। मैं जो ये डेटा है मैंने यहाँ पे सिंपली रिटर्न करा, ये बस एक टेम्पलेट है जो कि गाइस यहाँ पे सिंपली दिखेगी, ठीक है, सच रिजल्ट में आएगी। जब मैं आपको मतलब अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना इसका तब समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन सी टेम्पलेट है, ये बस एक लिस्ट स्टाइल है गाइस, ठीक है। तो गाइस उसके अंदर सिंपली जो भी मेरे पास डेटा आएगा यहाँ पे गाइस स्नैपशॉट में उसमें मैं क्या करूँगा, कैप्चर कर लूँगा यहाँ पे नेम है, अच्छा फाउंडर नेम है, आईडी है, लोगो है, उसे मैंने क्या करूँगा अब डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे। अब ये गाइस किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये गाइस थोड़ा कोड का एग्जांपल मैंने बता दिया, अब थोड़ा आपको मैं यूआई बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए आखिर वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। सिंपली गाइस मैंने क्या करा, ये है गाइस मेरा सर्च फंक्शनलिटी, ये है गाइस मेरा सर्च इंजन, मतलब मेरा सर्च फील्ड है। यहाँ पे अगर गाइस मैं अपनी कोई भी स्टार्टअप का नाम सर्च करता हूँ, सपोज़ एफ लिखा, तो गाइस यहाँ फीलसेफ नाम से मेरा एक स्टार्टअप है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो। और अगर किस तरीके से आया है मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ अपना, तो अगर डेटाबेस में जैसे ही मैं जाता हूँ तो गाइस मैं यहाँ पे वैसे कि मैंने बताया था कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बिजनेस इन्फो मॉडल, मतलब यहाँ पे है मेरा बिजनेस डिटेल फाउंडर, यह गाइस यहाँ देख सकते हो यहाँ पे है सर्च इंडेक्स, यहाँ पे फील सेफ नाम से गए, जैसे मैंने ऐप दबाया यहाँ से अरे को गाइस यहाँ पे कंपैरिजन हुआ हमारा यहाँ पे, और गाइस रिजल्ट जो है हमारे पास आ गया। और गाइस जो ये विजिट है हमारी जो स्टार्टअप लिस्ट स्टाइल है, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल गाइस थोड़ा नाम हो गया लस्ट हो गया, तो गाइस एक तरीके की लिस्ट स्टाइल है, बस एक यूआई मैंने बनाया हुआ है। लिस्ट स्टाइल आपको पता है क्या होता है तो आप गाइस आपको समझ जाओगे। सिंपली गाइस जब मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे एफ, तो गाइस जो ये रिजल्ट आया बस यही है गाइस मेरा ये यूआई। तो आप डेटा को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, बस गाइस मेरा बताना था कि आप एक इंडेक्स बनाओ अपने जो भी आपको मॉडल है उसमें गाइस आपका यहाँ पे इंडेक्स करके आप नाम रखो, उसमें आप इस तरीके की आपको यहाँ पे की वैल्यू स्टोर करवाना होगा, उसके बाद कंपेयर करवाने के लिए गाइस आपको इस्तेमाल करना होगा ये मेथड। तो ये बहुत ईजी है, अगर आपको आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके लिए सेपरेट भी वीडियो बना दूंगा। तो गाइस आपको कोड गाइस मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि गाइस अगर आप कोड कॉपी पेस्ट करोगे पूरे कोड को तो गाइस उसका आपको सीखोगे नहीं, आपको कुछ भी अगर डाउट आ रहा है किस तरीके से आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करो या फिर कनेक्ट करो फायरबेस को या फिर सिस फंक्शनैलिटी कैसे, आपको कोई भी एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको बताऊंगा। ओके गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो या कंसेप्ट समझ में आया हो तो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है।